शिवम दुबे के लिए रिंकू सिंह को नहीं मिली जगह। क्या रिंकू सिंह को शिवम दुबे से बाहर रखा जाना चाहिए था? जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि दुबे को उनके प्रदर्शन के आधार पर टीम में जगह मिली है। अगर उन्हें जगह नहीं मिलती तो मुझे आश्चर्य होता। जब से वह चेन्नई में आए हैं हम शिवम दुबे को 2.0 वर्जन में देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं शिवम दुबे के आंकड़े बता रहे हैं। 2022 में 29 की औसत और 156 की स्ट्राइक रेट से 289 रन, 2023 में 38 की औसत से 158 के स्ट्राइक रेट से 418 रन, फिर 2024 में अब तक 172 की स्ट्राइक रेट से 58 की औसत से 350 रन बना चुके हैं। अगर ऐसे व्यक्ति का चयन नहीं होता तो कहने को कुछ नहीं होता। शुरुआत में वह तेज गेंदबाजी के खिलाफ उतना अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन अगर आप इस साल का खेल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्होंने अपने खेल में कितना सुधार किया है। और यह कहने की जरूरत नहीं है कि दुबे स्पिनरों के खिलाफ कितने खतरनाक हो सकते हैं, वो तो आप सभी भली भांति जानते ही हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया। 39 की औसत से 145 की स्ट्राइक रेट से 276 रन बनाए, आश्चर्यजनक सर्वाधानिक योग्य है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जरूरत पड़ने पर शिवम दुबे वेस्ट इंडीज और अमेरिका की धीमी पिच पर एक या दो ओवर आसानी से फेंक सकते हैं। केवल एक चीज जो दुबे के खिलाफ जा सकती है वह है दुबे सीएसके के लिए मध्य क्रम में खेल रहे हैं। लेकिन शिवम दुबे को भारत के लिए फिनिश करना होगा, लेकिन भरोसा है मौका मिलेगा तो अच्छा ही करेंगे। रिंकू सिंह का सिलेक्शन ना होने से हम खुश बिल्कुल ही नहीं हैं, लेकिन इसके लिए दुबे को दोषी ठहराने वाले लोग सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इस बात पर हमें दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि शिवम दुबे का पत्ता काट के रिंकू सिंह को शामिल करना कतई ठीक नहीं है। रिंकू सिंह अपनी जगह ठीक है, लेकिन शिवम दुबे का भी चयन करना बहुत जरूरी है। हो सकता था कि शिवम दुबे और रिंकू सिंह एक ही टीम में खेलते और एक ही साथ उनका सिलेक्शन होता तो अलग बात है, लेकिन यदि शिवम दुबे को हटाकर रिंकू सिंह का सिलेक्शन करने की मांग यदि कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शिवम दुबे का सिलेक्शन ना करके रिंकू सिंह का सिलेक्शन करना क्या कितना हद तक सही था? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह क्रिकेट अपडेट्स जानने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।